फिर चप्पल उतारने के बाद तो और मुश्किल हो रहा है चलना। कैसे 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 पर्सन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो फाइनली हमने हिम्मत करके सुबह उठ गए। एक्चुअली कल रात में क्या हुआ कि कल यहाँ का कुछ होता है फेस्टिवल नॉर्थ का, जिसमें शायद साउथ का कोई फेस्टिवल होगा, वो हमें नहीं पता। रात के 1:30 बजे के लगभग खूब ढोल नगाड़े के साथ वो भगवान जी को लेके जा रहे थे, तो जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। बट फिर भी हमने प्लान ऑलरेडी बना लिया था जाने का, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो ईशा फाउंडेशन हम जा रहे हैं क्योंकि इसका प्लान हम लोगों ने बहुत पहले से किया था। वैसे तो जो दो जगह है, कोयम्बटूर और बैंगलोर में, तो बैंगलोर में भी रिसेंटली इस जनवरी में उसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो हम लोग यार जब बैंगलोर में रहते हैं तो पास वाले ही चले जाते हैं, वही चीज़ है कोयम्बटूर में भी। ऑलरेडी ये लोग जा चुके हैं साथ में नहीं, मैं अकेले गया था। आप अकेले गए थे? मैं अकेले गया मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ गया था। अच्छा, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। हाँ, मतलब अकेले जा चुके। मैं नहीं गई थी, मैं बहुत सुन रखा हूँ उसके बारे में, सुन रखा है कि बहुत अच्छा है। आई थिंक 1 घंटा और लगेगा, हमने आधा रास्ता कवर कर लिया। 5 किलोमीटर था, आधा आ गए। आधा कवर कर लिया। जो यूपी बिहार से लोग हैं उनके लिए तो यार ये बहुत प्राउड वाली बात है कि मतलब भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो वहाँ तक पहुँच गई है, राइट? कि आज इतने लोग उसको देख रहे हैं सारे लैंग्वेज के साथ, वो भी एक हमारा नेशनल लैंग्वेज ही कह लो, अभी लोग सब देख रहे हैं नेशनल टीवी पर, वो भी बहुत प्राउड वाली बात है। भोजपुरी लैंग्वेज फन है यार, मतलब। हाँ, मतलब जो हिंदी में वो कमेंट्री करते हैं या इंग्लिश में करते हैं उसमें वो मजे नहीं आते हैं, जब वो बोलते हैं कि मैं गेंदा फेंक दिया या फिर भोजपुरी का जो एसेंस है वो मतलब सुन के उसके बाद हर सीजन से वो खराब हो गई है। उसके बाद मैं दिल्ली को करता था और जब से अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ तो कुछ 2 साल से 3 साल से बैंगलोर। मेरा ऐसे कोई इतना लगाव नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, सारा मैच देख लेती हूँ जब जब चेन्नई। सो हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, भूख लगी है यार, सोचा कि थोड़ा कुछ खा लेते हैं। थोड़ी देर की और जर्नी बस रह गई है, बट हम सुबह ही निकले हैं तो चाय और टोस्ट खा लिया था। मैं गया थोड़ा प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लेते क्योंकि वहाँ जाएंगे उसके बाद, फिर वहाँ से वापस लौटेंगे तो टाइम लग जाएगा। सो हम आ गए हैं नंद गोकुला अगेन। ये हमारे लिए नॉस्टैल्जिया हो गया। सो जब हम नंदी हिल से वापस लौट रहे थे तो हम इसी रेस्टोरेंट में खाए थे और इसी जगह पे खाए थे, इसी यही हमारा लास्ट टाइम हमारा टेबल भी ये था। और नहीं, इससे पहले हम लोग गए थे ना, मेरे बर्थडे, पापा मम्मी गोलू और हम लोग, तो भी हम लोग यही खाए थे। अरे वाह, तो नजर नहीं गई, तो मैं तो जाता भी नहीं वहाँ पे। एक्चुअली मैंने बताया कि वहाँ पे लैंग्वेज नहीं समझ आती। नहीं, देखो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आउटसाइडर हैं, हमको उनकी लैंग्वेज मेरे सामने से वो इडली वड़ा दूसरे को दे दी और बोल खत्म हो गया भाई। तो जो कोई बात नहीं, हम आ गए हैं अभी नंद गोकुला। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और यहाँ का नंबर है भाई, साउथ इंडिया का एक नंबर है अभी। और हो गया है मेरे साथ थोड़ा धोखा, मुझे लगा सेट डोसा में एक डोसा आएगा लेकिन ये आ गया है 3 डोसा। अब इसे खत्म करना है इस चैलेंज। बोर्ड अभी तक जो हमें दिखा, अब लग रहा है कि यहाँ सही जा रहे हैं हम। इन पहाड़ियों के बीच में आज मनीष को ड्राइव करना है। अगर रुक रुक के देना तो कोई टेस्ट नहीं है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है यहाँ पे, देखो ये रोड ही के लिए आ रहे हैं, ये रोड ही जड़ली है।
और यहाँ से हमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, वो है स्टैचू। कल का मौसम इतना अच्छा था, वो मौसम आज होना चाहिए, और आज इतनी तेज धूप है। मुझे कल ही डाउट हो गया था, पता है कि आज पक्का धूप हो गया, क्योंकि हम प्लान बनाया जाने का। तो हाँ, ऐसा अक्सर होता है जब आप किसी चीज़ का सोचना उस समय नहीं होता। वैसे हमेशा वेदर अच्छा रहेगा बैंगलोर का, बट आज ही इतनी तेज धूप है। बट कोई नहीं, हम पहुँच चुके हैं और इन पत्थरों के बीच से होते हुए हम जाएंगे अब ईशा फाउंडेशन। तो हमने चोरी के डर से एक एक चप्पल हमने एक जगह रखा है। भाई मंदिर में आओ और चप्पल चोरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई हमने इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक चप्पल वहाँ, एक चप्पल दूसरे शॉप्स में। और इस लिंक को हम देखने इतनी दूर से आए हैं, बट बहुत प्यारा लग रहा है ना। और यहाँ पर सिर्फ एक यही स्टैचू बना है और कुछ भी अभी नहीं बना है। लोग बस इसी को देखने आ रहे हैं, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं बन रहा। बिल्कुल हाँ, उनके कान के पास मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। अभी तो काम चल रहा है। यहाँ से फोटो छ रही है। क्या बोल रहे हो, क्या बन गया पैर का? मुरब्बा हो गया। अरे इतना कंकर है, गर्मी है, पैर का मुरब्बा बन गया। सीरियसली भाई, अगर जिसको सिर्फ स्टैचू देखना है तो भाई फोटो में देख लो, इतना दूर आने की जरूरत नहीं। वो भी ऐसे मौसम में। हाँ सीरियसली, हमने कुछ लोगों ऐसे भी देखे हैं, महानुभावों को, जो इतनी धूप में भी जैकेट पहन के आए हैं। हाँ, जाके आराम मिल रहा ऐसा। मुझे लग रहा है शेल्फ बना देना चाहिए और थोड़ी थोड़ी दूर पे बनेगा। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा। चलो धूप इतनी तेज है, मुझे मनीष गुस्सा कर रहे हैं। आधी होगी देखना तो देख ली। सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। हाँ भाभी, हाँ हाँ ठीक है। राजस्थान वाले जो, हेलो गाइस, सो हम 3 बजे तक घर पहुंच गए थे हम लोग। और पहले सोचा कि बाहर कुछ खाएंगे, मतलब मनीष बोले कि बाहर खाते। मैंने कहा नहीं, मुझे वो क्रेविंग हो रही थी यार कि घर के दाल चावल की। मैंने कहा नहीं, घर चलो, घर चल के दाल चावल बनाऊंगी। तो दाल चावल भुजिया बनाया। अभी क्या है कि अभी मनीष और भैया गए हुए हैं घर में एक नए मेम्बर को लाने। वो कौन है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंड दिस मोमेंट आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू गॉड फॉर ईच एंड एवरी थिंग। यार हमारे पास जो है ना, हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए, क्योंकि यार वो बहुत सी चीज़ें ना, पता है बहुत से लोगों के पास नहीं है। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू ऑल। सो बस थोड़ी देर में मैं आपको मिलाती हूँ अपने एक नए मेम्बर से। दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। एंड इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।